नहीं जाएंगे सर, इनको भाजपा में जाने से रोकना है ना, ये बातें कही गई हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा। और देखिए, पटना के एक निजी स्कूल का एक कार्यक्रम था जिसमें आईपीएस विकास बाबा पहुंचे हुए थे, और वहीं पर विदाई समारोह के दौरान जब अशोक चौधरी उनसे मिलते हैं तो उनके बात से उनके मुंह से अनायास यह बात निकल जाती है कि विकास वैभव को बीजेपी ज्वाइन नहीं करने देना है। तो आखिरकार ये डर कैसा है, ये सवाल उठना चाहिए। आखिरकार बिहार सरकार के एक मंत्री हैं और पिछले ढाई महीने से विकास वैभव जो है वो संटिंग में है, उन्हें कहीं ज्वाइन नहीं कराया गया है अभी तक सरकार के द्वारा। 27 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि उनकी ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन ज्वाइनिंग उनकी अब तक नहीं हुई है। शोभा होतकर वाला मामला आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ट्वीट कर दिया था विकास वैभव ने, जिसके बाद मामला जो है वो तूल पकड़ता है और खुद से वो इस्तीफा दे देते हैं। आईजी होमगार्ड रहते हैं विकास वैभव। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई कि विकास वैभव को बीजेपी नहीं ज्वाइन करने देना है। देखिए, एक खबर हमने चलाया था और इस खबर की चर्चा भी है, लगातार इस पर चर्चा है कि क्या आईपीएस विकास वैभव जो है, जो लेट्स इंस्पायर बिहार नामक एक संस्था चलाते हैं बिहारियों के हित में, क्या वो बेगूसराय से लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ने जा रहे हैं। अब इस पर लगातार चर्चा होते रहती है क्योंकि विकास वैभव जो है वो काफी हद तक बिहार के लगभग सभी जिलों में सामाजिक कार्यों में खूब संलिप्त रहते हैं, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो यानी शिक्षा का क्षेत्र हो, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से विकास वैभव जो है वो काफी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं। बेगूसराय जो कि उनकी जन्मस्थली है और फिलहाल वो बिहार में एक बड़े पद पर कार्यरत है, हालांकि अभी तो नहीं है लेकिन वो रिटायर नहीं हुए हैं। इस बीच एक खबर आई थी कि क्या वो बीजेपी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं आईपीएस विकास वैभव। इसके बाद से आप कहिए कि पिछले ढाई महीने से विकास वैभव जो है वो संटिंग में है। ये वीडियो आपको हम सुना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी। National President of Private Schools at Universal Association, Mr. Shamai Levan, is honoring Mr. Vikas Weber, IPS IG, Government of Bihar. नहीं जाएंगे सर, भाजपा में नहीं जाएंगे। देखिए, एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, एक स्कूल में समापन का कार्यक्रम था और वहीं पर जब अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा था विकास वैभव को, तो वहां अनायास अशोक चौधरी के मुंह से यह निकल जाता है कि भाजपा इनको ज्वाइन नहीं करने देना है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? आखिरकार ढाई महीने से बिहार का एक अधिकारी जो है वो प्रताड़ित होकर बैठा हुआ है। शोभा होतकर जो कि उनकी सीनियर रही, उन्होंने काफी उन्हें प्रताड़ित किया, ऐसा आरोप वो खुद लगाए, हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर लिया था। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात जा चुका है, लेकिन विकास वैभव जो है वो फिलहाल बैठे हुए हैं। 27 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद से अब तक बिहार सरकार ने कोई भी इस मामले को लेकर तलब नहीं किया है। राजनीतिक गलियारों में उल्टे चर्चा यह बढ़ चली है कि 2024 में बेगूसराय से ताल ठोक सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। क्या यही डर है जनता दल यूनाइटेड को, महागठबंधन को? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। नाम उदित तारण है, बहुत बहुत